अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। देखिए कल जो हादसा हुआ निशु देसवाल टोचन किंग निशु देसवाल स्टंटमैन की मौत होगी एक स्टंट के दौरान। जिस समय ये हादसा घटा ये लड़का वहीं उसी समय वो स्टंट देखने लग रहा था, चश्मदीद है देखने लग रहा। हुआ क्या कैसे हुआ सारी बताओगा। राम राम भाई, क्या नाम है तेरा? जुनेद। जुनेद, जुनेद क्या हुआ, ये था आप उस टाइम पे? आपको पता था स्टंट करने जाओगे? स्टंट परसों भी करा था जी ना। अच्छा, परसों ये ट्रैक्टर दोगा जब ना मैं जाली थे अपने घर पे। अच्छा, तो कल गए ना जो ये कल भी ना ट्रैक्टर धोया और 10 बीघा था ट्रैक्टर निकाल ला ना, तो लास्ट में आ गए और ट्रैक्टर 10 गैस का निकाल के अगली साइड में ले गए जिनने वहां था वापिस उठाकर, तो जो इनने अटक उठाया ना ट्रैक्टर जी वो 10 का नीचे पानी आ गया जी टायरों के, और टायरों के पानी आने के बाद नीचे वो पलटी मार गया ट्रैक्टर इसकी गर्दन पे आगे गिर गया जी। उसी समय आप वहीं थे? वहीं थे। और कितनी भीड़ थी? चौकी भीड़ लगी थी जी वहाँ पे। पहले भी थी बाद में हो रहा है? नहीं जी, पहले तो 10-15 बंदे थे जी वहाँ पे। 10-15 बंदे जी। कितनी देर से स्टंट करने लग रहे थे? वो करीब 2-2.5 घंटे से जी। अच्छा, पहले भी कभी इसके स्टंट आप देखे? आपने देखे जी? देखे जी। चले जाया करते? हाँ जी। शौक है आपको? मारे घर के सहमी कर रहे थे जमुना में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अब उस समय कितनी देर बाद निकाला फिर बाहर और किस कैसे निकाला था वो जी? फिर उन्हें जेसीबी बुलाई जी, पहले तो ट्रैक्टर से कोशिश करी खींचने की, ट्रैक्टर से नहीं खींचा जी, फिर उन्हें जेसीबी बुलाई 1-1.5 घंटे में वो आई जी, उससे भी मुश्किल ही खींचा जी वो। अच्छा, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी? हाँ जी, उसी समय। हाँ जी जी, गिरते ही सिर पट गया जिसका जी। जी जी। हाँ जी, पहले एक दो स्टंट में काम मतलब करे हैं और करके नु बताओ चाल पड़ा था घर खातर कर गया जी ट्रैक्टर उन्हें जब नवा तार दिया था अगर इन धो देंगे जी, फिर धोने के बाद उन्हें जी अटका फिर निकाला, तो उसके पास में तुझे वे बोले आगे एक बार और दिखा दे हमारे से, फिर जो दूसरी लेगा चलाना जी उसी टाइम वो हादसा हुआ जिसकी। जिस तरीके से चश्मदीद गवाह जुनेद ने बताया कि ये उसे समय वहां था कि भाई स्टंट करने के बाद में वो जमुना में ट्रैक्टर को लेके चला गया था, भाई ट्रैक्टर को धो के घर जाएंगे, लेकिन जो स्टंट देखने आए थे जो स्टंट की वीडियो बनाने आए थे वो बोले भाई एक बार और करके दिखा दे। क्या बात है, एक बार और करके दिखा, दोबारा जब करने लग गया उस समय ट्रैक्टर के जो टायर है वो क्योंकि जमुना का चोहा काफी ऊपर है वो उसमें टायर धस गए, उस धसने से मुर्गार्ड की जो स्पोर्ट होती है वो टूट गई और ट्रैक्टर का पूरा वजन निशु के ऊपर आ गया। पहले ट्रैक्टर से भी खींचने की कोशिश करी, उस ट्रैक्टर में बहुत ज्यादा वजन है, कम से कम वो 50 क्विंटल वजन तो ऊपर था, वो पूरी कोशिश करने के बाद भी ट्रैक्टर से नहीं खींचा। बाद में आधे 1.5 घंटे बाद वो यहाँ तोड़ में जेसीबी आई, जेसीबी से भी काफी देर में हटिया है, उसके बाद उस बाइक के गाँव में लेके आए, हॉस्पिटल लेके जाने के सोच रहे थे, फिर सीधा अंतिम संस्कार ही कर दिया क्योंकि उसमें कुछ रह नहीं रहा था, वो भगवान को प्यारा हो चुका था। वीडियो आप लोगों ने देख ली भाई, इस वीडियो को शेयर कर दो और भाई हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भाई निशु देसवाल टोचन किंग हमेशा अमर रहे, क्योंकि भाई निशु देसवाल की जो फैन फॉलोइंग थी वो बड़ी जबरदस्त थी, करोड़ों लोग निशु देसवाल को देखा करते फॉलो करा करते, और आज वो इन सब अपने फैन को अपने परिवार को छोड़ के परमात्मा के पास चला गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, परमात्मा उसको अपने चरणों में स्थान दे, उसके परिवार को इस गम को सहने की शक्ति और ताकत प्रदान करे। राम राम बसारे भाई।